हर रोज साडियां रैलियां च साडी पार्टी दे विच लोग आ रहे ने, कट्ठ वध रहे ने, इस तरह हर रोज मीडिया दे कैमरे भी वधदे जा रहे ने। ये बड़ी खुशी है मैनू, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जिहड़े भी मंच नूं तुसीं रिप्रेजेंट करदे हो। अज एक दो गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। एक तां कांग्रेस पार्टी जिहड़ी ओह इन्नी कन्फ्यूज हो चुकी है कि चेहरा एक दईए, दो दईए, तीन दईए, पंज दईए, ना दईए, इस तरह दी गल्लां चल रहियां ने। असीं तुहानूं कहा सीगा कि असीं इहनां नूं राजनीति सिखावांगे। लग गए ना हुण फोन ते पुछण चेहरा कौन होना चाहिए। पहला कहिंदे सीगे एजेंसियां तों जांच कराओ। आम आदमी पार्टी ने जिहड़े जिहड़ा लोकां नूं पुछिआ इह फर्जी है, जांच कराओ एजेंसियां तों। हुण कहिड़ी एजेंसी तों जांच कराउणगे अपने? पहली एक एक एजेंसी ने तो जांच आप ही करके देती, सुनील जाखड़ जी। वह कहते 42 वोटां पईआं सी, दो वाले नूं रख लिया, 42 वाले नूं छड्डता। सो इत्थों इह सिद्ध हुंदा है कांग्रेस बुखलाहट च है। उन्हां नूं कोई रिपोर्टां आ गईआं कि जिहनूं मर्जी कर दो। कल मैं देख रहा सी एक कोई चैनल, वैब चैनल, एक पिंड दे विच धूरी दे एक पिंड दे विच वह पुछ रहे सी जी सिद्धू होना चाहिए या चन्नी। तो सामने बजुर्ग कहिंदे जो सरकार ही नहीं होनी, कहिंदे जिहनूं मर्जी कर दो, फायदा की है? ठीक है ना। सो इस करके कांग्रेस जिहड़ी है वह बैकफुट ते है, तो यह नहीं पता लग रहा कि कदों चेहरा अनाउंस करांगे। 6 तरीक कहिंदे ने ना, 6 कहिंदे ने, 6 पता क्यों कहिंदे ने? क्योंकि 5 तरीक नूं कागज़ वापस लैण दी आखिरी तरीक है। इन्हां नूं यह डर है कितें वड्डी पद्धर ते कांग्रेस वाले कागज़ ही ना वापस लै जाण, कितें 20-25 बंदे कागज़ ही ना वापस लै जाण। यह भी यह डर, ताइयों 6 है। होर 6 कड़ा कितों इन्हां ने कोई कढ़ाई है किसी उस तों? जदों मर्जी कर दो। सो ये कांग्रेस की हालत हुई पई है। मैं धूरी जाके आया 2 दिन, तुसीं देखिआ होना, कवर भी कीता होना। जो लोगों के उत्साह जोश है वह देखे ही बनता। धूरी के एक बजुर्ग मैनू कहिंदे पुत यह मशीन ते झाड़ू वाले बटन 2 नहीं लग सकते। मैं क्या भी 2 कहदे वास्ते? कहिंदे एक बटन तो गर्म हो सकता, इन्ना ज़्यादा दबिया जाऊगा। मैं क्या जी तुसी किते एवें ना पानी का गिलास लैके उत्थे मशीन ते पा दिओ, किते मशीन खराब हो जाए, वोटां देर पाउण च देरी हो जाए। सो आ प्यार है जी, उन्हां दा अपने अंदाज च बोलण दा प्यार है ये। सो मैं अज साडे नाल राघव चड्डा जी अक्सर तुहाडे नाल रूबरू हुंदे रहिंदे ने, साडे नाल अनमोल गगन मान जिहड़े कि साडे कैंडिडेट ने खरड तों, ते कुलवंत जी जिहड़े कि साडे कैंडिडेट ने मोहाली तों, ते इधर जगमोहन सिंह कंग जी जिहड़े सानू अज पार्टी ज्वाइन कर रहे ने। ये किसी जानकारी दे मुहताज नहीं, बहुत वड्डा नाम है खरड़ इलाके च, मोरिंडा इलाके च, चमकौर साहब सारे इलाके च। ते नाल सहगल साहब ने, के सहगल साहब पटियाले तो ये पार्टी ज्वाइन कर चुके। ते नाल हरसुखविंदर सिंह बब्बी बादल ये भी पार्टी अज ज्वाइन कर चुके ने। सो मैं एक मिनट लई राघव जी नूं कहांगा कि वो थोड़ा जिहा संगठन दा जां जिहड़ा, क्योंकि तुसीं देखते हो संगठन ते ज्वाइनिंग्स वगैरह तो की कौन कौन, ते उन्हों तो फिर मैं कहूँगा कि तुहाडे सवाल भी लवां। थैंक यू मान साहब। आज आम आदमी पार्टी पंजाब का परिवार और बड़ा हो रहा है। आज 3 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर जगमोहन कंग साहब आम आदमी पार्टी में ऑफिशियली शामिल हो रहे हैं। उनके साथ साथ उनके दोनों बेटे जो यूथ कांग्रेस में एक बहुत बड़े पदर पे काम करते आए हैं, यादविंदर जी और अमरिंदर जी, वो दोनों भी यूथ कांग्रेस को छोड़कर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं।
इनके आने से ये आम आदमी पार्टी का विश्वास है कि खरड़ हो, चमकौर साहब हो, आसपास के कई सारे हलकों में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। और जो टारगेट कंग साहब ने अपने लिए चुना है वो है खरड़ और चमकौर साहब दोनों को, दोनों हलकों को एक बहुत बड़े मार्जिन से जिताकर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की झोली में डालनी है सीट। तो मैं उनका परिवार में मान साहब और हम सब मिलकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इन्होंने आने नाल सानू बहुत तजर्बा, इन्होंने को बहुत फायदा होगा, खास तौर पर चमकौर साहब के खरड़ सीट। शायद यही कारण है कि चमकौर साहब के नाल नाल भदौड़ भी भरनी पई चन्नी साहब न। खैर भदौड़ वाला पासा तो मैं जानता, मेरा हल्का है, उधर तो अभी जमानत जब्त करा के भेजेंगे, इधरों तुम दस दो। बहुत सत्कारयोग सारी प्रेस बैठी है, अज मैनू बेहद खुशी है कि पंजाब दे होनहार दो बार मैंबर पार्लियामेंट रहे हरमन प्यारे भगवंत मान जी नाल बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राघव चड्डा जी, होर आगू इन्हां दे मेरे नाल, मेरे साथी कुलवंत सिंह जी, बीबी अनमोल मान, मेरे बेटे अमरिंदर, यादविंदर। मैनू मान साहब कोई भुलेखा नहीं। देखो मैं एक गल कहे बिना नहीं रह सकता, नहीं कहूंगा तो मैं समझूंगा गल लको रहे हैं। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं सेवा की 47 साल, ते मेरे तो पहला कदे मुंडे कांग्रेस जमी नहीं 47 तो लैके 92 तक। मैं आके बार बार जितया, हारिया भी, लेकिन मैं हुण दुविधा च पै गया जो पार्टी ने शराब के ठेकेदार नूं जो दागी विजय शर्मा टिंकू चहेता चन्नी दा चरणी चन्नी दा फाइनेंसर बादल साहब नूं फाइनेंस करदा, सब नूं करदा, वो लिया के थोपता। इस पासे पहला कहा चन्नी ने कि कंग ने जितना नहीं, सारे सर्वे आ गए हाईकमांड दे, ठुस हो गई उहदी मुहिम। कहिंदा साडी हिंदू सीट है। मैं डॉक्यूमेंट पेश कीते कि पिछले 50 साल दे विच जट सिख दिखदा आया, लिस्ट लंबी चौड़ी देख लो। हाल दी कड़ी मैं सी या मेरे होर एमएलए साथी सारे, विजेंद्र सिंह परिवार। इस तो बाद उन्हें की कीता, पैंतरा खेलिया। मैं लंबी गल नहीं करनी है, मीटिंग च गया ही नहीं, उन्हें मेरी पिट छुरा मारिया। मैं कल भी गल कही सी कांग्रेस पार्टी नूं कि सज्जना ने फुल मारिया, मेरी रूह अंबरां तक रोई, लोकां दे पत्थरां दी पीड़ जरा भी ना होई। वफा जिनसे की बेवफा हो गए। पर जदों बंदा घर छड़दा छड़दा दिल भरिया हुंदा। पर दूजे पासे मेरे भैनों ते भरावो, मैं तुहानूं दस नहीं सकदा, मैं 3 बार पंजाब सरकार वजीर रहा, 4 चीफ सैकटरी मेरे नाल सैकटरी रहे हैं। इन्ने मैनूं फोन आ रहे हैं IAS दे, IPS दे, PCS दे, ब्यूरोक्रेसी दे, GPS शाही खास तौर उदाहरण देने लगे हैं। उन्होंने जो शब्द लिखे कंप्लीमेंट किया को मुकाबला नहीं, यानी इलीट इलीट पढ़ी लिखी क्लास चंगा समझती है कि आम आदमी पार्टी साफ सुथरी है। केजरीवाल जी की अगुवाई थले कांग्रेस से ज्वाइन किया, पार्टी जिसने मुझे धोखा दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म होती जा रही है, उसका कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े आदमी हमारे उसके खिलाफ बोल रहे हैं, पतन उसका आ गया। मैं क्या कहूं, दिल बड़ा दुखी है, पर पीछे भूल के मैं समर्पित हूं। लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं काम को नहीं हाथ डालता, डाल लिया, काम नहीं है मैं नहीं। इसलिए जो सीटें पंजाब की हैं, मेरा सबसे निवेदन है जो हमारे आजाद उम्मीदवार खड़े हैं कोई कांग्रेस के, भगवान के लिए वोट का नुकसान ना करो और आप पार्टी तरफ आके वोट डाल दो। अब भगवंत मान लिखना दीवार पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बनना, और पंजाब के हरमन प्यारे हैं, समय बताएगा, समय बड़ा बलवान है। मैं ज्यादा बात ना करता हुआ फिर मान जी का, आदरणीय केजरीवाल साहब का, चड्डा जी का आभारी हूँ कि जिन्होंने हमें साथ लिया, और मैं अपने दिल से साथ जुड़ा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि सारे हम चन्नी को दफा करने में इस इलाके से पंजाब से पूरी कोशिश करेंगे दिन रात।
मिस्टर के सहगल पटियाला अर्बन तो ने और वाइस चेयरमैन पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ते एक्स प्रेसिडेंट पंजाब स्टेट नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्पलाइज ए बहुत वड्डा नाम है इन्हों का पटियाले दे विच इन्होंने सानू ज्वाइन किया। अगे बब्बी बादल है तुसी सारे जानते हो इन्हों हालांकि पिंड इन्हों का मिठड़ी है मिठड़ी तो नाम बादल लाउंदे ने क्योंकि बड़ा चिर उन्हां दे नाल रहे। हाँ सुखबीर दे दादा जी ते इन्हां दे दादा जी सके भरा ने सो इन्हां ने भी काफ़ी देर पहला बादल अकाली दल बादल नू जिहड़ा वो छड़ता सी ते कोई मन च यहा चाहिए सी इन्हों कि जोड़ा ईमानदार हो पंजाब की भलाई सोचता हो कि परिवार की भलाई सोचता हो। सो अज हर सुखविंदर सिंह बब्बी वह भी शामिल हुए ने बहुत बहुत मेहरबानी। कोई सवाल था बीते कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं दिल्ली के उन्होंने गंभीर आरोप आप पर लगाए हैं। पहला उन्होंने कहा कि भगवंत मान को दिल्ली के लोग भगवंत मान कहते हैं और दूसरी बात तीन निजी कंपनियां उन्होंने कहा कि एक तरफ पंजाब चुनाव में नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ शराब माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं और तीन निजी कंपनियों में कहीं ना कहीं भगवंत मान का भी सांड का। देखिए जी वो लोग जिनको कोई सीट नहीं आती वो लोग जो नफरत की राजनीति करते हैं दिल्ली में वो लोग जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के झगड़े में पड़े रहते हैं वो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं दो बार का एमपी हूं लाखों वोटों से। उस समय बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे होते थे सुखदेव सिंह ढींसा से पूछ लेना विजेंद्र सिंगला से पूछ लेना केवल ढिल्लों से पूछ लेना और परमिंदर ढींसा से पूछ लेना कि लोग मुझे क्या कहते हैं लोग मुझे अपन एक मिनट तो ये ऐसी बातें उन्होंने करनी होती हैं करते रहे। वो तो केजरीवाल को भी आतंकवादी कहते थे वो तो केजरीवाल को भी नाली का कीड़ा वो तो केजरीवाल को भी नक्सली तो लोगों ने बता दिया ना हमारे लिए लोग क्या कहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका क्या काम है कहते बोलते हैं। उन्होंने शायद यकीन नहीं है कि मैं चमकौर साहब तो जितूंगा नहीं तो ना उन्होंने कहा भी है कहते मैं चमकौर साहब छड़ दूंगा जो भदौड़ जित गया छड़न की जरूरत लोग छड़ाउणगे भदौड़ तो असीं छड़ावांगे। सुखचंद सिंगला ने नहीं पता है पूछा मेरे मुंह को चाहते बच्चे बच्चे पता रल के खेडते ने बच्चे बच्चे पता है के मतलब आपस दे विच तू तू मैनू जिता दे मैं तेनू जिता दूँ की राजनीति चलती। अच्छा एक मिनट हुण दसो मैनू इस बार रवनीत बिट्टू क्यों नहीं खड़ा होया भाई जलालाबाद तो सिर्फ मैनू हराउण वास्ते सुखबीर नूं जिताउण वास्ते गया सी। कैप्टन साहब ने इस बार लंबी तो क्यों नहीं भरे केजरीवाल साहब के खिलाफ क्योंकि अलग अलग हो गए हुण कहिंदे हुण तां कोई प्रॉब्लम नहीं सो सब रल के खेडदे ने। मैं इन्ना कहना बाकी सारियां पार्टियां रलियां होईयां ने लोग साडे नाल रले होए ने असीं लोकां दे देखो आम आदमी पार्टी जो है ना धर्म निरपेक्ष पार्टी है ये गल्लां जाखड़ साहब ने कही ने कल अपनी उस च अपना दिल का दर्द आया उन्होंने ठीक है ना
कि मैनू 42 वोटां पईआं सी, उधर 2 पईआं सी, इहनूं 16 पईआं सी। सानूं तां नहीं पता ना इस गल दा, इह तां अंदरली गल है। दो वाले नूं बनाता कहिंदे अंबिका सोनी ने ऐ कहा सी, ठीक है ना, ते मैनूं छड्डता। इह साडी गल थोड़ी है, इह उहनां दी कही हुई गल है। पर जे कांग्रेस इस तरह की राजनीति करती है गलत गल है। पंजाब की सोशल बॉन्डिंग, भाईचारक सांझ वह बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। श्री आनंदपुर साहब एक साढ़े तख्त जोड़े पांच तख्तों एक तख्त वो नाम से लोग सभा है, उतो मनीष तिवाड़ी एम पी है। फरीदकोट एक पंथक सीट मनी जाती है, उतो मुहम्मद सदीक एम पी ने। असी नहीं कुछ है देखते दे कि कौन की है। असी तो सर जिस तरह इन्होंने कहा नानक राम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला, वो कहने वाले लोग हाँ। सो असी इस तरह के उन्होंने कहा, असी उन्हें यह कहा कि ऐदा नहीं होना चाहिए। यार भाई जी हो गया तो यार ना ना हाँ, इन्हों आपस कट्ठिया बिजनेस ने। इस तो पहला उन्होंने आमला जिताने हैल्प की सुखबीर ने, ताकि जो मैं आऊंगा तू ना लड़ी। तो इस तरह राजनीतियां करते ने, पर लोग ये सारा समझ चुके। सवाल तक जवाब ये सब ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। ऑपोजिशन इस समय इशूलेस है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को अटैक करने के लिए एक भी मुद्दा नहीं है। अब वो केजरीवाल साहब का रंग काला है, इस इशू को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं कि वो काले रंग का है तो उसको वोट मत दो। ये हालात है आज। वो स्वेटर पहनता है, स्वेटर पहनता है, वो जैकेट नहीं डालता, वो मफलर डालता है। आज ये इशूज शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी पंजाब में लोगों के बीच लेकर जा रही है। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की जोड़ी है, जो लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बढ़िया स्कूल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, लोगों की बात कर रहे हैं। और वो केजरीवाल साहब के रंग और मान साहब की जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये फर्क लोगों के सामने है। अकाली दल अकाली नहीं रहा, इस करके मैं छड़ के अकाली दल टकसाली च आया। अकाली दल टकसाली और संयुक्त दल रेवा हो गया, अकाली दल बन गया। उदू बाद वो वापस चले गए ब्रह्मपुरा साहब, मैं नहीं छड़ी पार्टी, मैं उठी गया। लेकिन मैं समझदा है इतिहास की निगाह इस इलेक्शन ते लगी है। इतिहास विच नोट किया जाऊगा, यह बड़ा ही निर्णायक इलेक्शन है। कौन आम आदमी नाल पंजाब दे भले लई खड़िया, कौन उन्हां मिली भुगतालियां पार्टियां नाल मिल के पंजाब दे खिलाफ खड़िया। तो मैं यह कहना चाहना है कि कृपा करके जेडे भी सही लोग जेडे आम आदमी की सपोर्ट कर रहे उन्हां नूं मैं कहूंगा लगे रहो, कामयाबी मिलेगी। जेडे अजे भी उन्हां पार्टियां दे विच फसे हुए ने उन्हां नूं मैं कहूंगा अखां खोलो, आपकी जमीर पुछो, इन्हों लोभियों का साथ छड़ के आम आदमी भगवंत मान जी, जड्डा जी और केजरीवाल जी का साथ ला के पकड़ो। मान साहब, मान साहब, मान साहब, सिद्धू की पत्नी ने कहा है कि राजनीति में सफल नहीं हुए तो प्रशासन में परिवार वापस लौटेगा, क्योंकि राजनीति में उनको नुकसान ही हुआ है, क्या कहते हैं? तो जी हुण उनका कहना है, मैं तो अपने प्रोफेशन में वापस नहीं गया, मैं भी हार गया सी, मैं 12 च हार गया सी, नहीं गया 14 तो 17 च मैनू कहिंदे सी मुख्यमंत्री तैनू नहीं बनाउंदे, मैं कोई गल नहीं, मैं फिर भी नहीं गया, ठीक है ना। हुण तक कहिंदे रहे है केजरीवाल आऊगा, केजरीवाल आऊगा। जिस दिन केजरीवाल आ गया ये सारे कहण लगे भगवंत क्यों आ गया, भगवंत क्यों आ गया। इहदे विच मैं कुछ नहीं।